हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गज़ब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, राधे राधे जी, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी शाम का 6 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं शाम के 6 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी मेरी शाम की चाय बन रही है, तो सुमित का मन था कि चाय के साथ अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो सुमित के लिए मखाने फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ कढ़ाई पर मैंने आधा चम्मच घी डाल के उसमें मैंने ये मखाने डाले हुए हैं फ्राई करने के लिए। और मखाने फ्राई करते वक्त आपको बता दूं कि मखानों को बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकाना है, क्योंकि अगर हम तेज आंच पे पकाएंगे तो मखाने हल्के होते हैं, जल जाएंगे और खाने में स्वाद नहीं आएगा। और उसके बाद फिर जब मखाने सुनहरे हो जाएं तो उसमें नमक डाल के बढ़िया अच्छे से ऐसे सर्व कर लेना है। तो फिलहाल हमारे मखाने बनकर तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये मैं फिलहाल सुमित को लेकर देने जा रही हूँ, क्योंकि सुमित को भूख लगी हुई है। तो फिलहाल मखाना और चाय सुमित के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। सबके काम ख़त्म हो जाते हैं बट हाउसवाइफ की जो ड्यूटी होती है ना, वो कंटिन्यू चालू रहती है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। मेरा दिमाग तो बहुत सोच सोच के बिल्कुल पागल हो जाता है कि खाने में क्या बनाऊँ। सुबह होती है तो यही सोचना, शाम होती है तो फिर यही सोचना। तो फिलहाल मैंने सोचा कि आज मैं दाल चावल सब्जी रोटी ये कुछ नहीं बनाऊँगी। ये सब खा खा के बड़ा मन परेशान हो जाता है, बड़ा मन बोर हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज खाने में बनाते हैं पास्ता। फिलहाल हमारे घर में पास्ता काफ़ी दिनों से बना भी नहीं है और पास्ता खाने में मुझे और सुमित को दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। पास्ते के लिए मैंने हरी सब्जियाँ निकाल ली हैं। हरी सब्जियाँ तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही हैं। तो जो भी घर पे अवेलेबल सब्जियाँ हैं मैं वही सब्जियाँ पास्ते के लिए काट रही हूँ। तो फिलहाल मैं हॉल में बैठ कर सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि अंदर वाले रूम में सुमित का ऑफिस चल रहा है तो सुमित को डिस्टर्ब होगा और प्याज भी लगेगा। वैसे प्याज तो काटने में सभी को ही लगता है, मुझे भी लग रहा है। बहुत तेज से आंसू आ रहे हैं, मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए मुझे प्याज इतना लग रहा है। फिलहाल टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, बिल्कुल सच्ची वाली बात बता रही हूँ। मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी सब्जी कट के बिल्कुल रेडी हो गई है। सब्जियों में मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। घर पे इतनी ही सब्जियाँ अवेलेबल थी तो मैंने इतनी ही ली हैं। आपके पास और अवेलेबल हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सब्जियाँ तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ही होती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया और साथ में अपने पीने के लिए पानी भी रखा है। मैं गर्म पानी पीती हूँ रेगुलर में। तो एक तरफ पानी जब तक गर्म हो रहा है, मैंने सोचा चलो पास्ता वगैरह निकाल लेते हैं, तब तक ये सब तैयारियां कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं पास्ता निकाल के रख रही हूँ और उधर मेरा पानी गर्म होके बिल्कुल तैयार है। पानी पीने के लिए तो मुझे गुनगुना चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने गैस धीमी कर रखी। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर चलिए पानी ले लेती हूँ और पानी ले कर पहले पी लेती हूँ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और इसमें पानी में मैं पास्ता का जो पानी रखा है मैंने, इसमें मैंने डाला हुआ है नमक, ताकि पास्ता में तो नमक का टेस्ट होता नहीं है। तो इसमें पानी में नमक डालने से पास्ता अच्छे से पक जाएगा और उसमें हल्का सा नमक का जो फ्लेवर है उससे जो है ना पास्ता खाने में और टेस्टी लगेगा। और साथ में मैंने 1.5 चम्मच ऑयल डाल दिया है, ताकि पास्ता उबलते वक्त आपस में चिपके नहीं और अच्छे से उबल जाए। और फिलहाल मैंने यहाँ पे गैस तेज कर दी है। जब तक पानी में उबाल आती है तब तक मैंने सोचा कि चलो चल के सुकून से बैठ कर पानी पी लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ, मैं आजकल जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है लास्ट टाइम, तब से मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ रेगुलर में। तो यहाँ पे सुमित का ऑफिस चल रहा है, सुमित अपना ऑफिस में व्यस्त हैं और मैंने सोचा चलो सुकून से पानी पीती हूँ। पानी को मैं बताऊँ, चाय की तरह घूट घूट करके ही पीना होता है, एक सांस में खींच कर पानी नहीं पीना चाहिए, उस वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ खिड़की के पास बाहर देखती जा रही हूँ और पानी सुकून से पीती जा रही हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पानी बिल्कुल रेडी है, खौलने लगा है। तो फिलहाल मैंने गैस धीमी कर दी है और इसमें पास्ता डाल दिया है। और पास्ता डाल के जब पास्ता अच्छे से उबलने लगेगा तो इसको हम 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, पकने देंगे। 5-6 मिनट में पास्ता अच्छे से पक जाता है। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे खोलकर भी पका सकते हो, और अगर चाहो तो आप इसको ढक्कन से, जो भगोने का ढक्कन हो उससे आप इस तरह से ढक के भी पका सकते हैं। इससे क्या है कि समय की बचत होगी। बस तो फिलहाल मैंने रख दिया यहाँ पर। देखिए अभी मैं चम्मच से पास्ते को चेक कर ले रही हूँ कि पका है कि नहीं पका है। तो फिलहाल पास्ता पककर रेडी है। तो
तो चलिए पास्ता को हम अच्छे से धुल के साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि पास्ता जब हम उबालते हैं ना तो पास्ते से एक अलग सी अजीब सी महक आती है, तो इसीलिए पास्ते को धुल के हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं कि वो आपस में चिपके नहीं और जो उसमें एक अलग तरह की महक होती है, धुलने से वो सारी महक चली जाती है और पास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और धुल रही हूँ मैं ये छन्नी में धुल रही हूँ, ताकि धुल के मैं इस भगोने में इसको रख दूँगी, पानी अच्छे से छन के निकल जाएगा और पास्ता बढ़िया से बिल्कुल से ड्राई ड्राई सा रहेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पास्ते को अच्छे से धुल के साफ़ करके छन्नी में करके यहाँ पे रख दूँगी। गैस पे कढ़ाई मैंने रख दी है और इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें अब चुटकी भर जीरा डाल रही हूँ, और जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं तो दाल जब फ्राई करती हूँ उसमें, सब्जी चौकटे में, मैं हर चीज़ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ। हाँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरते, डालने के बाद बहुत तेज़ चटकता है, तेल उछल उछल के ऊपर आता है, तो थोड़ा सा संभाल के करें वरना आप जल भी सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी प्याज डाल दिया है और प्याज के हल्का सा जो है प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिलहाल ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट तेल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया था, टाइल्स वगैरह पे गया था, गैस गंदी हो गई थी, तो मैंने तुरंत सोचा जिसको साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बाद में तेल अच्छे से उसमें जम जाता है तो फिर साफ़ नहीं होता। तो फिलहाल मैं अभी प्याज में डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी पहले मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर बाद में मसा उसमें टमाटर के साथ में और सब्जियों के साथ में डालू ना तो हल्दी का जो कच्चेपन का एक स्वाद होता है वो खाने में रह जाता है, और हल्दी में एक महक सी आती रहती है, इसमें सब्जी में एक महक सी आती रहती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैं हल्दी प्याज के गोल्डन ब्राउन होने पे ही डाल देती हूँ। फिलहाल अभी मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है और शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें फिर से चुटकी भर नमक डाला है। तो नमक मैंने इसलिए डाला है जिससे कि सब्जी आसानी से पक जाती है और बढ़िया गल जाती है और उसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल वो क्रंची क्रंची सा रहता है। तो फिलहाल नमक डालने के बाद मैं इसमें अब हल्का सा गरम मसाला डाल रही हूँ, सब्जी मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और उसको अच्छे से भून ले रही हूँ। और शिमला मिर्च तो हल्का सा कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है, शिमला मिर्च को हल्का सा थोड़ा सा कच्चे फ्लेवर का ही रखती हूँ। फिलहाल अभी इसमें मैंने पास्ता भी डाल दिया और पास्ता डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि पास्ता डालने के बाद बहुत ही संभाल के बहुत ही सावधानी से चलाना है, क्योंकि छोटा छोटा होता है ना, बिखर बिखर के फूल की तरह चारों तरफ बिखर जाता है, बहुत गिरता है, मेरे से भी फिलहाल गिर रहा है। और मैं इसमें देखिए अभी डाल रही हूँ मैजिक मसाला। वैसे तो मैं पास्ता बना रही हूँ और पास्ते में पास्ता मसाला डाले ना तो पास्ता मसाला डालने से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास घर में पास्ता मसाला अवेलेबल नहीं है तो मैं मैजिक मसाला डाल रही हूँ। मैजिक मसाला भी बढ़िया होता है, टेस्ट अच्छा आता है, मैं सब्जी में और तहरी, ये पुणे में उसको बोलते हैं मसाला भात, तो मैं मसाला भात में और वगैरह फ्राई करने में मैं सभी में डाल देती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो फिलहाल ये देखिए यहाँ पे हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। तो फिलहाल मुझे और सुमित को दोनों को ही पास्ता बहुत पसंद है। लास्ट टाइम हमने कानपुर में खाया था, शिवानी ने बनाकर खिलाया था, तब से अभी तक हमने पास्ता नहीं खाया, सेटिंग के चक्कर में, ये घर वगैरह सेट करने के चक्कर में ये सब बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिलहाल पास्ता बनाते हैं और पास्ता खाते हैं। तो फिलहाल पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं अपने और सुमित के लिए, दोनों के लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो फिलहाल पहले मैं और सुमित बैठकर खाएंगे सुकून से पास्ता। देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, कलर भी बढ़िया आया है। अब तो ये सुमित ही खाकर बताएंगे कि पास्ता खाने में कैसा है, दिखने में जैसा है, खाने में भी उतना स्वादिष्ट है या। तो दोस्तों फिलहाल ये देखिए मेरा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है, बस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। और हाँ, मैंने इसमें धनिया नहीं डाली है क्योंकि धनिया भी हमारे घर पे है नहीं, और आज हम सब्जी लेने जाने वाले थे बट बारिश हो रही है, शाम के 4 बजे से ही बारिश कंटिन्यू हो रही है तो हम नहीं जा पाए बाहर, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बट और मैंने इसमें कोई कमी बाकी नहीं रखी है, तो फिलहाल मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सुमित के पास और खाते हैं गर्मा गर्म पास्ता। तो ये देखो फिलहाल सुमित अभी मैं तो फिलहाल अब सुमित खा के बताएंगे कि यम्मी यम्मी पास्ता कैसा बना है। बहुत घटिया। किसी चीज की कमी लग रही है हरे धनिया को छोड़ के? जाम हो जाता, मजा आ जाता। तो फिलहाल चलिए अभी मैं भी अपनी प्लेट लेकर आती हूँ, फटाफट मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ, मुझे भूख बहुत जोर की लगी है और मेरे मोबाइल की बैटरी भी जा रही है। हाँ, कोई कमी नहीं, एकदम बेस्ट है। चलो
पूरे 5 पॉइंट मिल गए मुझे। फिलहाल पास्ता खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, फिर से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो अभी फिलहाल पास्ता बनाया था तो उसके कुछ बर्तन निकले हैं, तो मैं किचन में बर्तन ही साफ़ करने के लिए आई हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि रात में खाना खाने के बाद हमें अपनी किचन पूरी साफ़ करके बर्तन वगैरह धुल के ही रखने चाहिए, रात में हमें अपनी किचन में बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। फिलहाल मैं तो अपनी किचन में रात के बर्तन जो है जूठे नहीं छोड़ती, रात के बर्तन साफ़ करके अपनी किचन पूरी साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो अच्छा नहीं लगता कि हम बर्तन जूठे छोड़ें। और दूसरी तरफ अगर बर्तन वगैरह जूठे छोड़ दो तो फिर कॉकरोच वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिलहाल एक ये भी रीज़न है कि अपनी किचन को रात में साफ़ सुथरा कर ही सोएं, बर्तनों को साफ़ करके सोएं। तो फिलहाल बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो फिलहाल अभी अपने ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किन पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुंदर दिखने का अधिकार तो हाउसवाइफ को भी होता है। हाउसवाइफ को भी बिल्कुल बन ठन के बिल्कुल मेंटेन होके रहना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आज से नया रूटीन सेट किया है कि मैं आज से सोने से पहले रेगुलर फेस पैक लगाऊंगी, फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर करूंगी, उसके बाद फिर सोऊंगी। क्योंकि इधर घर सेट करने के चक्कर में जब से हम कानपुर से आए हैं स्किन वगैरह का मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और स्किन मेरी बहुत ख़राब हो गई है। बीच में कोशिश भी की थी, एक दो दिन स्टार्ट भी किया कि फेस पे अच्छे से फेस पैक वगैरह मसाज वगैरह, तो उसके बाद फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई और फिर वो वहीं का वहीं छूट गया, फिर से ये सारा काम ठप हो गया। तो फिलहाल मैंने सोचा कि आज से मैं फिर से अपने फेस पे जो है फेस पैक वगैरह लगा के अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह करूँगी ताकि स्किन थोड़ी ठीक ठाक बढ़िया रहे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी में मैंने चंदन पाउडर मिलाया हुआ है और कपूर का पाउडर मिलाया हुआ है और उसे डाबर गुलाबरी जो गुलाब जल होता है उसी में मैंने उसको मिला के उसका जो है फेस पैक बनाया है। तो यहाँ पे फेस पैक लगाने से पहले मैंने जो गुलाब जल होता है उसे मैंने फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लिया है और अच्छे से फैला लिया है ताकि फेस पूरा अच्छे से गीला हो जाए, ताकि फेस पैक अगर लगाने से पहले स्किन ड्राई रहती है ना, तो उसके तुरंत का तुरंत अगर आप फेस पैक लगाओ तो स्किन ड्राई रहती है और फेस पैक बहुत जल्दी सूख जाता है और स्किन में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। तो फेस को पहले रोज़ वाटर से अच्छे से हम लोग गीला कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इस तरह से अच्छे से फेस पे अपने फेस पैक लगा लेंगे। और हाँ, फेस पैक लगाते वक्त बिल्कुल बात नहीं करनी है, फेस पैक लगाने के बाद बिल्कुल बात नहीं करनी। बहुत से लोग फेस पैक लगाए रहते हैं और खाना पीना चालू कर देते हैं, हंसना बोलना चालू कर देते हैं, तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना तो फिर हमारी स्किन क्या है ना लूज होने लगती है और रिंकल पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फिलहाल फेस पैक लगाने के बाद बस फेस पे आपको ये पैक जो है मुश्किल से 10 मिनट लगा के रखना है, 10 मिनट में फेस पैक ये जो है अच्छे से सूख जाएगा। और आपको जब ये फील होने लगे ना कि आपकी स्किन खिंच रही है, खिंचाव आ रहा है, तब आप जो है आप इसको अच्छे से धुल सकते हो, जाके ताजे पानी से ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। बहुत देर तक फेस पे इसको लगाकर मत रखिए कि पूरा जब सूख जाए उसके बाद धुले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अभी अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैं फेस पे लगा रही हूँ ये लैक्मे का मॉइस्चराइजर पीच मिल्क। तो फिलहाल मेरी स्किन को यही सूट करता है, मैं पिछले 5 सालों से यही मिल्क मॉइस्चराइजर ही यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत सूट करता है ये। और रात में फेस पे वैसे भी फेस को वॉश करके मॉइस्चराइजर वगैरह फेस पे अच्छे से लगा के ही सोना चाहिए। और ये तो था मेरी आज रात के रूटीन का लास्ट काम। इसके बाद बस किचन में मेरा एक काम और बाकी है, किचन में जाके मुझे सुबह के खाने के लिए मूँग भिगोनी है। नाश्ते में हम लोग वही अंकुरित मूँग और इसमें सब हरी सब्जियाँ और फल वगैरह जो भी होता है काट के तो रेडी करके रखती हूँ अपने और सुमित के खाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं अभी मूंग भिगो रही हूँ, इसके बाद फिर अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, जय माता दी।